आप हर रोज फोन पर टीवी पर कई तरह की खबरें देखते हैं। हर खबर में या तो खून खराबा होता था तो कभी राजनीतिक वाद विवाद। खबर देखकर तो लगता है कि मानो समाज में अपराध और राजनीति के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो राजनीति और अपराध से परे है। कहते हैं गुरु एक दीपक है जो खुद जलकर शिष्यों के जीवन को रोशन करता है। ऐसे ही एक खास शिक्षक से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज के कोडिहार जगदीशपुर चांदन की हैं, जहां श्री नारायण दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। यूं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि दूसरे बच्चों के भविष्य की चिंता करें, और जब बात दिव्यांग बच्चों की हो तो बहुत कम ही लोग उनकी मदद के लिए वापस आते हैं। श्री नारायण उन्हीं कुछ लोगों में से एक है। आपको बता दें कि श्री नारायण जब छठी क्लास में थे तो उन्हें जबरदस्त करंट लगा था। तब डॉक्टर ने उनकी जान बचाने के लिए उनके हाथ काट दिए थे, लेकिन इन सब के बाद भी श्री नारायण का हौसला टूटा नहीं और उन्होंने अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लिया और आज वो एक सफल शिक्षक के रूप में सबके सामने हैं। इस बारे में जब श्री नारायण से बात की तो उनका कहना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें समाज का बड़ा हाथ है। हमें लगता है कि आदमी यदि कुछ करना चाहे तो समाज उसका सपोर्ट करता है। घर वाले भले जैसे विकलांग हो जाने के बाद या तो माँ बाप दो ये होते हैं, माँ बाप या तो बहुत प्यार करते हैं लड़के से या नफरत करते हैं, विकलांगों के साथ ऐसा देखा गया है। लेकिन हमें लगता है कि यदि लड़का मेहनती है, कोई विकलांग यदि कुछ करना चाहता है तो ये समाज देखता है, समाज आकलन करता है और समाज फिर से सपोर्ट करता है। मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, हमें लगता है कि जितने मेरे घर पर मेरी माँ का मदद रहा है, चाहे मेरी माँ जितनी रोई है, उतना ही जो है समाज ने मुझे जो है सहयोग किया। मैं आज शादियाँ जो विकलांगों की कराता हूँ, चाहे जितने सामाजिक कार्य करता हूँ, कई जो है सामाजिक कार्य भी करता हूँ इस पढ़ाई के अलावा, उसमें समाज का बहुत बड़ा सहयोग है। और आपको बता दें कि श्री नारायण को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, इसीलिए इतनी परेशानियों के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आज उनके पास स्पेशल बीएड, एमए, एलएलबी समेत कई डिग्रियां हैं। इस पर श्री नारायण का क्या कहना है आप भी सुनिए। बीए, एमए, एलएलबी और स्पेशल बीएड, जनरल बीएड दोनों जो है मेरे पास जो है बीएड की डिग्री है, इस कारण से मैं स्पेशल बीएड किया था तो इन बच्चों को जो है पढ़ा रहा हूँ। डिग्री तो सब कुछ लिया जो है, जितना मन किया जो है तो फिर से जानू। श्री नारायण ने बताया कि इस स्कूल में दिव्यांग बच्चे पढ़ने आते हैं जिनको परिवार या समाज वाले नहीं अपनाते। मन बुद्धि के बच्चे हैं, यह वह बच्चे हैं जिनके इनको खुद नहीं मालूम कि हमारे माँ बाप कौन है, चाहे हम लोग को भी नहीं मालूम कि इनके माँ बाप कौन है। ये रोडों पे या मेलों में या रेलवे स्टेशन पे अनाथ ऐसे ही जो है दिमागी मतलब हालत में जो है मिले हैं और इन बच्चों को कोर्ट द्वारा हम लोग के यहाँ पहुँचाया गया और उन्हीं बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब इन बच्चों के साथ साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इधर के आसपास के चाहे यूपी के जो भी बच्चे हैं 6 से 18 साल के बच्चे, उनको हम लोग जो है पढ़ाई। जब समाज में श्री नारायण जैसे प्रेरणादायी शिक्षक मौजूद होंगे तो वहाँ बच्चों का भविष्य तो उज्ज्वल होगा ही। श्री नारायण जितने अच्छे शिक्षक हैं उतने ही बड़े समाज सेवी भी हैं। वो हर साल अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं। इस बारे में श्री नारायण के सहयोगी का क्या कहना है आप भी सुनिए। सर, श्री नारायण यादव जी जो है गत वर्ष सितंबर 2018 से यहाँ पे कार्यरत हैं और उन्होंने जो है यहाँ के बच्चों को अपने परिश्रम से जो है बहुत ही जो है सिखाने का प्रयास किया है और दोनों हाथ न होते हुए भी उन्होंने जिस तरह से कार्य किया है वो एक सराहनीय कार्य है, प्रशंसनीय योग है। और इसको विद्यालय से हटकर वो निजी क्षेत्र में बहुत सी अनाथ लड़कियों की, गरीब बेसहारा लड़कियों की शादियां कराते हैं और उन्हें हर प्रकार से चाहे वो कृत्रिम अंग हो, चाहे पेंशन हो, चाहे किसी तरह का यात्रा करने में कोई भी कठिनाई हो उसका निराकरण कराने में उनकी अहम भूमिका रहती है। तो देखा आपने किस तरह श्री नारायण अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर एक नया आयाम बनाया है। श्री नारायण को उनके समाज सेवा के लिए अब तक कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। अगर समाज में हर कोई श्री नारायण की तरह अपनी कमजोरी को ताकत बनाए तो कभी भी दिव्यांगता को अभिशाप नहीं माना जाएगा। हर कोई पढ़ेगा और समाज में भी शिक्षा की लौ को रोशन करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।